दोस्तों, हर साल सोशल मीडिया पर कोई न कोई वायरल होता ही रहता है। जैसे कि पिछले साल कच्चा बादाम वाले भुवन बाड़ेकर से लेकर छोटी बच्ची हो क्या वाले दीपेंद्र सिंह के साथ साथ कई सारे लोग रातों रात वायरल हो गए थे। और दोस्तों, इस साल की शुरुआत से ही कई लोग जो कि सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना चुके हैं और वायरल हो चुके हैं, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको साल 2023 में रातों रात वायरल होने वाले पांच लोगों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहें। दोस्तों, ये 2023 के शुरुआती महीने में ही काफी ज्यादा फेमस हो गए थे अपनी सिंगिंग की वजह से। वैसे तो इन्हें बचपन से ही गाना बहुत ज्यादा पसंद था और इसी वजह से ये YouTube पर काफी वक्त से गाने की वीडियोस बनाते आ रहे थे, लेकिन एक वीडियो ने इनको वायरल कर दिया। दरअसल कुछ वक्त पहले बस टाइम पास करते हुए इन्होंने एक वीडियो YouTube पर अपलोड किया था और इसमें इन्होंने काफी ज्यादा सुरीला गाना गाया था और ये वीडियो YouTube पर अपलोड होते ही बहुत ज्यादा वायरल हो गया। पहले देखिए आप इनका ये वायरल वीडियो। जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। दोस्तों, जब इनका ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों को इनका नाम तक पता नहीं था, इसीलिए कई लोग इन्हें वायरल बिहार बॉय के नाम से जानने लगे थे। लेकिन बात बस यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इनका गाना लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि जिसके बाद इन्हें सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के एक एपिसोड में भी गाने का मौका मिला था, जहां पर जनता को और जजों को इनका गाना बहुत ज्यादा पसंद आया और वहां से ये और भी ज्यादा पॉपुलर हुए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अब इनका नाम जानते हैं और म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया के साथ इनके कई गाने भी आ चुके हैं। दरअसल अमरजीत जयकर के वायरल होने के पीछे सोनू सूद का बड़ा हाथ है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने जो आपने पीछे वीडियो देखा वो वीडियो देखा और इनको गाते हुए देखा तो उन्होंने इस गाने को ट्विटर पर शेयर कर दिया, जिसके बाद से ही अमरजीत जयकर लगातार वायरल होते चले गए। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो अब किसी चलते फिरते सर्कस से कम नहीं है। आए दिन दिल्ली मेट्रो में कुछ न कुछ ऐसा दिख जाता है जो कि लोगों का होश उड़ा देता है, और कुछ वक्त पहले ऐसा ही हुआ था। दरअसल एक लड़की की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने लगी, जिसने हद से ज्यादा छोटे कपड़े पहने हुए थे और ये ऐसे कपड़े पहनकर दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करती थी, और इसके एक दो नहीं बल्कि कई सारे फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर आए थे, क्योंकि यह लगभग रोजाना ऐसा ही करती थी। इनके कपड़ों के साइज को देखकर इनको उर्फी जावेद 2.0 नाम दिया गया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि उर्फी जावेद भी बिल्कुल इसी तरीके के कपड़े पहनती हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि उर्फी कैमरे के सामने और स्टूडियो में ऐसे कपड़े पहनती है, वहीं ये नई लड़की लोगों के सामने पब्लिकली ये सब कर रही थी, जिस वजह से लोगों ने इन्हें काफी ज्यादा हेट भी दी। लेकिन इनका कहना है कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इनके घर में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुए करते हैं और छोटे कपड़े पहनने पर मनाही है। इसके बाद ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस भी हो गई और इनके सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर्स भी बढ़ गए, और कई लोग तो कहते हैं कि इन्होंने यह सब कुछ फेमस होने के लिए ही किया था। इस लड़की का नाम रिदम चांदना है। दोस्तों, नंबर 3 पर बात करते हैं अफ्रीकन वायरल वाई की। दोस्तों, सोचिए कैसा लगेगा कि अफ्रीका के एक गांव में रहकर पूरी दुनिया में फेमस हो जाना। कुछ ऐसा ही हुआ वेस्ट अफ्रीका के घाना में रहने वाले इस 7 साल के बच्चे के साथ। बता दें कि इस बच्चे का रियल नाम अल्बर्ट उफुजू निकिटिया है और इसके वीडियो ने इसे पूरे इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल कर दिया है। दोस्तों, पहले तो ये रोता हुआ दिखता है, लेकिन इसके तुरंत एक सेकंड बाद यह हंसने लगता है, और इसी मोमेंट का इस्तेमाल कई सारे मीम बनाने के लिए इस बच्चे का इस्तेमाल करके एक से एक बढ़कर मीम बनाए गए। और इस बच्चे ने शायद ही कभी सोचा होगा कि इंडिया जैसे किसी देश में इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि हर कोई अब इसकी शक्ल जानता है। हर किसी ने इसका टेम्पलेट यूज करके एक ना एक मीम बनाया हुआ जरूर देखा होगा। दोस्तों, आज के टाइम में ये बच्चा अफ्रीका के साथ साथ पूरे इंडिया में भी काफी मशहूर है। नंबर 2 पर बात करते हैं पाकिस्तानी डांस गर्ल आयशा की। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ये साल काफी ज्यादा अच्छा जाएगा। आयशा के साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ। एकदम साल की शुरुआत में ही इनका एक वीडियो बहुत ही गजब तरीके से वायरल हो गया। ये वीडियो किसी शादी का था, जिसमें वो बहुत पुराने बॉलीवुड गाने पर डांस कर रही थी और उनके डांस मूव्स लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे लगे और इनकी खूबसूरती की वजह से ये तुरंत वायरल भी हो गई। आपने ये वीडियो जरूर एक बार तो देखा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इस गाने को ना सुना हो, क्योंकि इनकी वजह से ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि मानो हर कोई इसी गाने पर वीडियो बना रहा था।
आयशा वैसे भी मॉडलिंग ही कर रही थी, तो इस चीज ने इनके नाम को काफी ज्यादा बूस्ट दे दिया और इन्हें काफी ज्यादा मॉडलिंग और डांस वीडियोस के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे और इनके इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। नंबर एक पर बात करते हैं दोस्तों पुनीत सुपरस्टार की। दोस्तों ये बात भी सच है कि पुनीत काफी वक्त से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते आए हैं और इसलिए वो पिछले साल से ही फेमस है, लेकिन इस साल के शुरुआत में ये हद से ज्यादा पॉपुलर हो गए। पहले लोग इन्हें जानते थे लेकिन अब इन्हें बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, यहाँ तक कि इन्हें ट्रिगर इंसान से लेकर एक से बढ़कर एक यूट्यूबर और पॉडकास्ट करने वाले लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। यहाँ तक कि इन्हें कई बार इंटरव्यू देने के लिए भी बुलाया जाता है। दोस्तों पहले तो लोग इन्हें बस पागल समझते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों को ये पता चला है कि यह गरीबों की कितनी ज्यादा मदद करते हैं और यही कारण है कि अब लोग इन्हें और भी ज्यादा प्यार करते हैं और इनके वीडियोस को पहले से भी ज्यादा पसंद किया जाता है। वैसे दोस्तों इनमें से आपका फेवरेट कौन है कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार। ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहें, मिलते हैं जानकारी से भरे एक और नए वीडियो में।